अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान, जैसा कि आपको पता है तारा रारा रोज़ाना कोई नए गेस्ट लेकर आती है और आप सबको कुछ नई चीज़ें दिखाती है, न्यू टैलेंट दिखाती है, नए आर्टिस्ट दिखाती है, नए टिकटॉकर्स दिखाती है और आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज़ से मिलवाती है। ऐसे ही आज के जो गेस्ट हैं वो तो पहले तो मैं उनके तारुफ से पहले मैं सबको ये कहूँगी कि सब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा भाई उनके कौन रियल फ़ैन थे और वो हाज़िरी लगाइएगा। जैसे हम टिकटॉक पर कोई वीडियो पोस्ट करके लिखते हैं ना हाज़िरी लगाएँ, ऐसी मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने हाज़िरी लगानी है। तो वेलकम करते हैं अपने शो पर राजा बलोच को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे राजा, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाएं तारा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरे इनके साथ हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं, ज़हीर को वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़हीर, आप ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में। ओके लगे पड़े हैं। कराची घूमा है आपने पूरा? हाँ कराची पूरा घूमा। कराची कैसा शहर है? माशाल्लाह बहुत प्यारा शहर है। हाँ बहुत, कितना खूबसूरत है। कराची की लाइट्स आपने देखी जो मशहूर है? हाँ लाइट्स तो बहुत थी। आजकल तो हमारी कराची की लाइट्स भी ना वो डिम खुद ही मार रही है। सिटी ऑफ लाइट कराची के शहर को बोला जाता है, जो चमकता रहता है चाहे दिन हो या रात हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा राजा, आप कराची आए, कराची में आप कहाँ कहाँ घूमे और कैसे कैसे आना हुआ? कराची मेरा बेसिकली थोड़ा सा काम था, यहाँ पे गाड़ियों का भी थोड़ा सा मेरा कारोबार है और एडवोकेसी के हिसाब से भी, तो तकरीबन कराची तो पूरा घूमा हुआ है। अदरवाइज बस सिर्फ एक ही कराची की चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ट्रैफिक में तो इंसान का सर में दर्द हो जाता है, डिस्टर्ब होता है बंदा बहुत। ये अब क्या करें, कराची की मशहूर एक तो लाइट्स हैं और दूसरा ट्रैफिक ही है। आवाम बढ़ गई है ना इस वजह से, क्योंकि गाँव से भी लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी सैलाब चला था मतलब गाँव के बंदे या कुछ, तो सारे बंदे आ गए कराची में। इस वजह से आवाम बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन देखती हैं आप कितनी बढ़ रही है, इस वजह से ऐसा ही है। ऐसा ही है। ज़हीर को आपने कहाँ कहाँ घुमाया भैया? ज़हीर ने क्लिप्टन देखा, सी व्यू देखा, उसके बाद जोहर देखा, अपना पूरा डिफेंस देख लिया। बेरिया टाउन तो नहीं घुमाया मुझे। बेरिया टाउन चलेंगे ना अभी, नहीं तो कल तो वैसे ही एक इवेंट है चलेंगे। यूनिवर्सिटी भी आपने देख ली? बेरिया टाउन तो नहीं घुमाया मुझे। क्यों नहीं घुमाया? बड़े प्यार से उसने कहा आपके शो में आया ना इसीलिए, मतलब अभी सिफारिश कर रहा है कि बेरिया घुमा दो मुझे। अच्छा लाइव सिफारिश कर रहा है कि? हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आया ये कराची में। अच्छा मतलब बचपन में कभी कराची नहीं आया? बचपन में आया था, बड़ा हुआ तो अब आया हूँ। इसने देखा ही नहीं है मतलब पूरी तरीके से। अरे अभी घूम रहा है, इसको घुमाया मैंने पूरी गाड़ी में। इस उम्र में तो लोग अपने बच्चे बीवी को घुमा रहे होते हैं, ये बेचारा खुद घूम रहा है। नहीं ये खुद अभी बच्चा है। अच्छा हाँ ये बस ऐसे ही हाइट से या फेस से लग रहा है, वैसे खुद बच्चा है। अच्छा बच्चा वाला बनेंगे तो खैर हो गई, अच्छी बात है। इंसान जो है घूमना चाहिए, कोई भी उम्र हो घूमना इंसान की सैर के लिए बहुत VIP चीज़ है। कहते हैं ना अब तो बंदा घूमेगा फिरेगा तो ही आगे देखेगा। ऐसा ही है। हाँ, ठोकरें लगती हैं घूमने फिरने से, अच्छे बुरे की पहचान होती है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा राजा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है जो आपकी टिकटॉक के हवाले से? अच्छा टिकटॉक के हवाले से ऐसे तो अदरवाइज मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो मेरा दोस्त इम्तियाज़ शाह है, वो भी टिकटॉकर है। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे ज़मीर बैठा हुआ है, ज़मीर है और बहुत सारे दोस्त हैं, मौलवी हबीब है, बहुत सारे दोस्त हैं जो भी टिकटॉकर हैं। वही बात है किस किस के नाम अगर लेने में आऊँगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। अदरवाइज सारे टिकटॉकर्स जो भी मेरे सिंधी टिकटॉकर्स हैं या हाल आप जो भी सिंध में रहते हैं सारे फ्रेंड है, क्योंकि मैं फ्रेंडली बंदा हूँ तो सबसे के साथ दोस्ती होती है। अच्छा है ना, इंसान को ये नेचर डाउन टू अर्थ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अल्लाह को भी यही चीज़ पसंद है कि इंसान जितना झुका हुआ है, वो पेड़ को पौधा लगता है तो वो झुकता है, वो खड़ा नहीं होता है, तो इसीलिए ये बात है इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए आपकी तरह। अच्छा ज़हीर मुझे आप ये बताएं आपको टिकटॉक का शौक कैसे हुआ, इनको देख के? हाँ मामू को देख के शौक हुआ टिकटॉक। अच्छा तो क्या कैसे बनाते हैं आप भी वीडियोस के? मामू की तरह बनाते हैं? मामू की तरह बनाते हैं, फनीस बनाते हैं और जो कंटेंट मामू बताता है वैसे ही बनाते हैं। वैसे ही बनाते हैं, वायरल जाता होगा, लोग देखते होंगे। हाँ देखते हैं। खुशी होती है जब लोग लाइक करते हैं? बहुत खुशी होती है। हाँ तो आपका क्या प्लान है बड़े ओके फ्यूचर में, क्या करोगे आगे? जो नसीब में लिखा होगा वही। इसका आर्मी में जाने का शौक है। आर्मी में जाएंगे? हाँ। मतलब मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो? क्या बात है, मेरा भी शौक बड़ा है। मैं ना गाड़ी भी चलाती हूँ, बाइक भी चलाती हूँ, अब मेरा शौक है मैं जहाज चलाऊँ, मतलब जहाज उड़ाऊँ। फाइटर पायलट बनना है मुझे, आप सब लोग दुआ करें। और मसला मैंने एक बात देखी है, हम जब भी गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो हमारे नीचे गाइडलाइंस आ जाती है और आपका एक वाहिद अकाउंट है जहाँ पे इतनी गाइडलाइंस नहीं आती जितनी आप गाड़ी भगाती हैं। ये पता नहीं स्पेशली आपके लिए ऑफर दी हुई है टिकटॉक वालों ने महदूद मदद के लिए, क्योंकि आपने नाम भी वैसे ही लिखा है ना, तारा बाइकर्स। तो इस वजह से या तो उन्होंने आपको कह दिया है कि भाई भगाओ, इजाजत है। हाँ, बाइक को भी भगाते हैं, गाइडलाइन नहीं आती, गाड़ी भी भगाते हैं, लेकिन अब बाइक का भगाने का मजा अपना है। हाँ, वो तो अब देखिए बचपन में होते थे हम तो रेसे लगाते थे, अब जैसे ही बड़े हुए अब डर लगता है, अब कार पे आ गए ना तो बाइक से डर लगता है, अब गाड़ी को ज्यादा भगाते हैं। मैं आज एक अपना कमेंट पढ़ रही थी, मैं जब यार थी पता है इंसान एक वीडियो जब बनाया तो वो स्टाइल से बनाएगा ना, हैवी बाइक पे बैठा हुआ है तो हैवी बाइक तो वैसे ही उसका बीट, तो मैं बैठी हुई थी बाइक चला रही हूँ तो मैंने ये हाथ यहाँ रखा हुआ है, एक हाथ से चला रही हूँ स्टाइल में, तो मुझे कोई 70 क्रॉस मार की गई, तो लोग कमेंट कर रहे हैं आओ हैवी बाइक पे 70 ने क्रॉस कर दिया। अरे भाई वो वीडियो बन रही है स्टाइल से, वो रेसिंग नहीं हो रही जो 70 क्रॉस करे। तो मैं हंसती हूँ यार कैसे कमेंट लोग कितना फोकस करते हैं। माशाल्लाह आप तो स्मार्ट सी हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया हैवी बाइक को आप कंट्रोल कैसे कर लेती हैं। आप देखिए ना आपकी एज भी इतनी नहीं है और आप इतनी हैवी भी नहीं है, और उसका वजन ज़्यादा होगा आपसे भी शायद ज्यादा हुआ है बाइक का। आपको उर्दू पॉइंट पे जाना पड़ेगा। ज़ुएब मंशा साहब मुझे ऐसा लग रहा है दूसरे आके बैठ गए उर्दू पॉइंट वाले, जो मुझसे आके सवाल ऐसे तारा कैसे बाइक चलाती है, तो बस बाइक जो है आ जाए कोई भी हो, एक बार बाइक देख लो फिर यूं मुझे खुद समझ नहीं आता चल कैसे रही है। वही बात है ना, वजन उसका, वजन तो शायद आपसे भी ज्यादा होगा, उसका डबल वजन होगा, आपका एक ही होगा वो डबल होगी। एक बार मैं चला रही थी फेज 8 पे ही, तो पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी, तो वो मुझे देख के जो पुलिस वाला था वो खड़ा हो गया, तो मेरे साथ मेरा टीचर भी था अली सुमरो, तो मुझे कहने लगा ये हमारे लिए नहीं होता, हम लोग भगा भगा के थक गए हैं, बीटें दे दे के थक गए, पुलिस उठती भी नहीं है, जब तारा चलाती है तो ये पुलिस भी खड़ी होती है। मगर तो ये प्रोटोकॉल है ना, चेक करो। परेशान होती है ना कि ये लड़की मतलब चला कैसे रही है, तो खुद छोटी देखते हैं लड़की चला रही है ना, वो छोटी सी लिटिल सी बेबी क्यूट सी। तो ये है, खैर चलता रहता है, जिंदगी है। और भी अभी तो जहाज उड़ाना है, फिर मैं अपना प्राइवेट तैयार, इंशाल्लाह ये भी होगा कभी लाइफ में आगे जाके, पॉसिबल है, बिल्कुल होगा। इंसान के लिए वो चीज़ नहीं है जो ना पॉसिबल हो, क्योंकि नॉन पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। अगर उस तरीके से देखो कि मैं पॉसिबल हूँ हर चीज़ के लिए। आप सबको बताती चलूँ, राजा बलोच टिकटॉक के साथ अगर जाती जिंदगी के बारे में बात करूँ तो एक बहुत अच्छे एडवोकेट है जी, वकालत भी करते हैं। कितने कितने केसेस आपने सॉर्ट आउट किए हैं? माशाल्लाह से अब गिनती करूँगा तो बहुत सारे हो गए, अब क्या गिनूँ, मतलब माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत सारे केस है, आप केस लड़ रहे हो वहाँ पे आपके फैंस हो गए? फैन तो मेरे वकील से भी होते हैं, दोस्त होते हैं, कलीग जो हमारे होते हैं साथ में, बोलते हैं यार तू खुद अकेले बनाते जा रहा है, कभी हमारे साथ भी बना लो भाई। चलो भाई बना लेते हैं, मेरा वैसे ही कॉन्टेक्ट जो है स्लो मोशन है, हाथ पकड़ लिया चल लिया वकीलों के साथ ड्रेस में, और ज़्यादा से ड्रेस पे कम बनाते हैं हम, मगर कभी कभी बना लेते हैं जब इलेक्शन होता है या कोई ऐसा कोई सीन होता है। बहुत प्यारी दोस्त है, चलो उसको भी याद करते हैं, रबट्टी, वो भी वकालत कर रही हैं। अच्छा। तो मैं डॉक्टर को बोलते हैं यार बड़ा वकील की ड्रेस पे बना रही हूँ, ध्यान रखना वकालत ही बैन ना कर देंगे लोग। नहीं वो तो देखो ना, वकालत का अपना सीन है, वकालत के हिसाब से वो अपना मैटर है, और अलग से एक लाइफ भी हमारी, वो भी चीज़ हम मेंटेनेंस कर सकते हैं ना। उसके बाद तो हमारी लाइफ है ना, हम क्या भी कर रहे हैं, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। अपना सोशल सी मीडिया है भाई, एंटरटेनमेंट के लिए हर चीज़ कहते हैं। देखो अगर बच्चे भी पढ़ने जाते हैं जब, वो भी स्पोर्ट में आते हैं, क्योंकि स्पोर्ट क्यों होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाई के साथ स्पोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते स्पोर्ट में आगे बढ़ जाते हैं। क्रिकेटर्स क्यों बनते हैं, स्पोर्ट में क्यों आते हैं, फुटबॉल क्यों खेलते हैं, ये भी एक हिस्सा है। राजा फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? मेरा फेवरेट टिकटॉकर फीमेल्स में या मेल्स में? फीमेल्स मैं कहूँ कि अक्सा जवान जी। और मेल्स में? मेल्स में मेरा फेवरेट टिकटॉकर है शब्ब जाफरी, उर्दू में पोइट्री बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनकी मिसेज भी बहुत अच्छी बोलती है। हाँ मिसेज भी बोलती है, अभी शादी भी हो गई है उनकी माशाल्लाह से। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन? मेरा तो फेवरेट टिकटॉकर मामू ही है। मामू है। और गर्ल्स में? लड़कियों में? गर्ल्स में कोई नहीं है, लड़कियों को देखते ही नहीं। हेड गर्ल्स? नहीं हेड नहीं, लड़कियां ना, मेरे को लड़कियां अच्छी नहीं लगती। आपको आपकी अम्मी भी अच्छी लगती नहीं? वो तो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसने मुझे पैदा किया है। हाँ, एक बंदे का अपना मतलब एक माइंड होता है। हाँ। तो उस हिसाब से वो कह रहे कि लड़कियों में तो ठीक तो है, तो हमारी सारी मतलब माशाल्लाह से सब फेमस हैं और सब अच्छी टिकटॉक बनाती हैं, तो बाकी से बंदे का अपना नहीं अच्छी लगती है। फ़ैन नहीं हूँ किसी का, लड़कियों में से आपने पूछा कि फ़ैन किस लड़की के हो, फ़ैन नहीं हूँ। लड़कियों की वीडियो तो देखता हूँ, आती हैं फॉर यू पे, आपकी भी आती हैं। जो फॉर यू पे आ गई, लाइक दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अभी मेरी वीडियो को। हाँ दिया है, बाइक वाली आई थी आपकी, अच्छी बात है दिया। हाँ डन, चेक कर लेना आप। अब मैं जाऊं कमेंट चेक करना, कमेंट्स। हाँ ज्यादातर कमेंट नहीं करते, लाइक जरूर करते हैं। लाइक हाँ, कमेंट नहीं किया था, लाइक किया था। हाँ मैं करता हूँ, जो मुझे अच्छी वीडियो लगती है ना, जो स्पेशली वो अच्छी दिल पे लग गई कि यार क्या वीडियो बनाई है भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको कमेंट्स कर देता हूँ। बल्कि मैं फेवरेट भी कर लेता हूँ कि भाई इसकी मैं, चलो ये उर्दू है, मैं सिंधी में कॉपी कर लूँगा। ऐसे मैं भी अगर किसी की मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको कमेंट करती हूँ, ये नहीं देखती कि उसके फॉलोअर्स कम हैं। हाँ, मुझे अच्छी लगी है, वही दिल की बात है। हाँ सही बात है। तो क्या मैसेज दोगे राजा मेरे शो के जरिए अपने फैंस को, देखने वालों को, मेरे शो के बारे में, मेरे लिए क्या कमेंट्स देंगे, मिलकर कैसा लगा? माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं और बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं बात करने में, टॉकिंग में, और माशाल्लाह आप क्या कहते हैं कि आपकी स्पीच और जैसे आप लोगों से मिलती हैं बिल्कुल फ्रेंडली, बहुत अच्छा लगा। और सबको मैसेज यही दूंगा, हमारे सिंधी जो भी हैं हमसे पूछते हैं भाई हम वायरल कब होंगे, हमारी वीडियो कब फॉर यू पे चलेंगी, भाई ये जहान इतना मतलब मुश्किल हो गया है। पहले तो टिकटॉकर्स का पता नहीं होता था लोगों को, आजकल तकरीबन मेरे हिसाब से 95% टिकटॉक बना रहे, जो पहले लाइक करते थे 95, आजकल 95% टिकटॉक बना रहे हैं। तो ज़्यादातर ऑफिसर्स ने भी नहीं छोड़ा। हाँ ज़्यादातर ये बात है कि भाई लड़कों को कम लाइक देंगे, भले अच्छी वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे, लाइक नहीं देंगे। लड़की अगर कोई चूड़ी दिखाएगी आपकी तरह, या कोई घड़ी दिखा दी, या कुछ और दिखा दिया, कोई स्टाइल मार लिया, तो उसको लाइक करेंगे, एक बार नहीं 3-4 बार लगा देंगे। हाँ तो हमारे सिंधी वैसे तो बहुत मोहब्बती हैं, जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, कोई अजरक पहनाता है, कोई दावत देता है भाई चाय पियो खाना खाओ हमारे पास रहो। टिकटॉक में एक तो यही अच्छी चीज़ है कि हमें मोहब्बत मिलती है लोगों की, और बहुत प्यार मिलता है। क्या कहोगे ज़हीर आप? हाँ आप क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही दूंगा कि यही मैसेज जो मामू ने बोला, मामू ने बोला वही मैसेज, बस मोहब्बत करते हैं। बाबा कॉपी पेस्ट करो। हाँ कॉपी पेस्ट कर दो, वो कहते हैं सेम लाइन जो इसकी अच्छी लगी, ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है, कॉपी पेस्ट मारो और भेज दो आगे। तो गाइस इतना रखे, बहुत सारा क्या, थैंक यू सो मच आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच आप आए, अपना कीमती वक्त निकाला। तो गाइस जो जो राजा बलोच को लाइक करते हैं वो कमेंट में जरूर हाजिरी दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।